माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या उद्योग 42 के समर्थन में मैं अपनी भावना प्रकट कर रहा हूं। आपका आभार। कई विधायकों ने उद्योग के संबंध में सुझाव रखे और मैं उनको कहना चाहता हूं कि 3 साल पहले आप सत्ता में थे, आपने कौन सा तीर मार दिया और हमारी सरकार आने के बाद में माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने कौन सा नुकसान कर दिया। आज उद्योग और जहां उद्योग है वहां प्रगति है, रोजगार है। भाई, और मेरा सुझाव और मानना है कि उद्योग के ऊपर माननीय सदस्य से मंथन करते हुए सुझाव दें। ऐसे नहीं, नो इट इज नॉट अलाउड। ये तेरी मेरी की बजाय इनसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैंने आपका विरोध कर दिया, आपने हमारा कर दिया, इनसे उद्योग को कोई फायदा होने वाला नहीं है। माननीय सभापति महोदय, आज हिंदुस्तान आबादी और जनसंख्या के हिसाब से बहुत बड़ा देश है और इसमें सबसे बड़ी कोई समस्या है, सबसे बड़ी कोई प्रॉब्लम है तो वो रोजगार की है। बेरोजगार घूम रहे हैं और जहां उद्योग लगेंगे वहां प्रगति होगी, वहां विकास होगा, युवाओं को रोजगार मिलेंगे और क्षेत्र का प्रगति होगी, भला होगा। और आज इसे सबसे बड़ी समस्या है। मैंने पहले भी निवेदन किया कि 3 साल पहले और इसमें अमुक कोई सेंस नहीं है, लेकिन आज उद्योग राजस्थान में जो अपार संभावना है, तरह तरह के खनिज के बावजूद भी जहां उद्योग होने चाहिए उतनी मात्रा में नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खूब रियायत दी है। पाली से आने वाले माननीय विधायक जी बहुत बड़ा ज्ञान बांट रहे थे। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि टेक्सटाइल पाली और बालोतरा आपकी और हमारी एक समस्या है, सेम प्रॉब्लम है, कौन सा परिवर्तन हुआ मुझे तो दिखता नहीं है। और जो आपने बात की उनकी मैं सहमति जताता हूं कि आपने टेक्सटाइल कपड़ा उद्योग के बारे में तमाम जो सुझाव दिए उनका मैं समर्थन करता हूं कि वास्तव में जायज बातें कि आज माननीय सभापति महोदय उद्योग के मामले में आज आर्थिक स्थिति, आज जब नोटबंदी हुई हर व्यापारी की कमर टूटी, व्यापारियों को नुकसान हुआ और आज माननीय सभापति महोदय कई कह रहे थे कमाल कर दिया, मुझे तो कोई कमाल नहीं दिखता है। कमाल उन दो लोगों का भले ही हुआ होगा लेकिन आम व्यापारी का कोई कमाल नहीं हुआ। आज मैं ये भी प्रूफ शुद्ध कह सकता हूं कि आपकी सरकार उद्योग विरोधी, और उद्योग विरोधी होने का ये प्रूफ मैं दे सकता हूं कि आपने हमारी रिफाइनरी को समीक्षा के नाम पे 4 साल तक रोक के रखा। अगर 4 साल तक रिफाइनरी को नहीं रोका जाता तो आज रिफाइनरी का निर्माण पूर्ण हो जाता और नए पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हब में कई लाखों हजारों उद्योग लग जाते और उनकी वजह से युवाओं को रोजगार मिलता। माननीय सभापति महोदय, उस समय बात कही गई तेल हमारा, पानी हमारा, जमीन हमारी, भागीदारी कम है। क्या सरकार व्यापार करती है, जनता की सेवा करती है या विकास करती है? हिंदुस्तान में ये राजस्थान पहला प्रदेश है जहां सबसे बड़ी भागीदारी 26% है। हिंदुस्तान में कई एक आसाम के उदाहरण के अलावा कोई भी रिफाइनरी में कोई राज्य सरकारों की कहीं कोई भागीदारी नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा माननीय मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने उद्घाटन किया है, इसलिए समीक्षा के नाम पे 4 साल तक रिफाइनरी को रोक के रखा। उनकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ और आज अगर शुरू होती, रोजगार मिलते, प्रगति होगी, खुशहाली आती। आज माननीय सभापति महोदय, मुझे कहते हुए गर्व होता है, एक समय था डेजर्ट रेगिस्तान, बाड़मेर पिछड़ा जिला, सजा के रूप में बोलते थे बाड़मेर भेज दूंगा, और आज मुझे गर्व है कि तरह तरह के खनिज की वजह से बाड़मेर प्रति व्यक्ति आय में 1 नंबर पे राजस्थान में है। घर घर ढाणी ढाणी लग्जरी गाड़ियां हैं, इनसे ज्यादा गर्व होता ही नहीं। आज बाड़मेर ने प्रगति की है, उनका सबसे बड़ा प्रमुख कारण खनिज है, कोयला है, ग्रेनाइट है, जिप्सम है, बेंडोनाइट है और बालोतरा का कपड़ा उद्योग है, तेल है, रिफाइनरी है, उनकी वजह से। और आज इस मौके पर माननीय सभापति महोदय, माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का
आभार व्यक्त करता हूं कि पीसीपीआई जोन में, पीसीपीआईआर जोन में 1,000 करोड़ रुपए का जो बजट का प्रावधान रखा है उसमें 383 वर्ग किलोमीटर में पूरे जिला ही नहीं आसपास के तमाम क्षेत्रों का जो विकास होगा। माननीय सभापति महोदय, आज बालोतरा हो या पाली हो या जोधपुर हो, ये टेक्सटाइल उद्योग के बिना यहाँ लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। और मेरा सुझाव है, मुझे खुशी भी है कि यह सूरत और अहमदाबाद को अगर कोई टक्कर दे रहे हैं तो बालोतरा और पाली के व्यापारी दे रहे हैं, यहाँ लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। और उन्होंने, माननीय ज्ञान जी ने जो बात कही कि यहाँ सौर ऊर्जा 80% का जो देने का प्रावधान है अनलिमिटेड किया जाए, क्योंकि 24 घंटे उद्योग चलते हैं, 8 घंटे बिजली उत्पादन होती है, तो 80 घंटे का मतलब 35% बिजली उत्पादन होती है, उनको रियायत देकर अनलिमिटेड किया जाए तो राज्य आत्मनिर्भर बन सकता है। आज जो कच्चा माल गरे कॉटन कपड़ा महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात से आता है, और इस नाम से भी अपन रियायत दे सकते हैं कि 5 साल तक राज्य को कपड़े में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सौर ऊर्जा व्यापारी मन साय जितनी उत्पादन कर सकते हैं, उत्पादन वो खुद कर रहे हैं, अपन को कोई देना नहीं। और अपन एक तरफ कह रहे हैं व्यापारी आए, उद्योग आए, और एक तरफ अधिकारियों के तरह तरह के कानून की वजह से इतने अड़सने कि आज वो साते हुए पैसा खुद लगा रहा है, उत्पादन खुद कर रहा है, कपड़ा खुद बना रहा है, और ये लुम्स अगर लगते हैं तो आज जो लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है इनसे 3 गुना वृद्धि हो सकती है। और बाड़मेर जिले में हो, साय पाली में हो, बहुत बड़ी अपार संभावना है। और इस कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा में पूरी छूट दी जाए ताकि यहाँ लूम्स लगेंगे, और लूम लगेंगे तो गुजरात और महाराष्ट्र के यहाँ से कपड़ा लाने की जरूरत नहीं होगी, और यहाँ बिजली महंगी और वहाँ बिजली में छूट की वजह से अपने व्यापारी लूम्स कपड़ा बनाने में उनको सामने नहीं टिक पाते हैं। और अगर अपन को आत्मनिर्भर बनाना है तो इसमें रियायत और छूट देनी पड़ेगी। माननीय सभापति महोदय, आज से 10 साल पहले फोर्थ फेस बना, हाई कोर्ट ने आदेश दिया बालोतरा में कि शहरी क्षेत्र में जो इकाइयां लगी है उनको शिफ्ट किया जाए, शहरों में प्रदूषण नहीं फैला सकते। तो मात्र गत बार जो माननीय मुख्यमंत्री जी बने थे और मैं विधायक था, मात्र 39 प्लॉट जो आवंटन किए, उसके बाद में प्रक्रियाधीन 53 आज भी पेंडिंग है। अधिकारियों की हठधर्मिता और जिद के कारण सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि हम 800 रुपये कम पड़ते हैं। माननीय सभापति महोदय, 39 लोगों को 800 रुपये में दे दिए, 53 पेंडिंग पड़े हैं, और उनके अलावा अतिरिक्त भूमि थी उनसे करोड़ों अरबों रुपयों की रिको ने इनकम कर दी। तो 53 लोगों को देने में 800 रुपये में क्या फर्क पड़ता है? आज 10-12 साल पहले अगर देते तो वह उद्योग पनपते, और खाली जिद कि हम नहीं दे सकते हैं, मार्केट 6,000 चल रहा है। तो क्या आप व्यापारी हो या रिको राजस्थान की जनता व्यापार को बढ़ावा देने के लिए? माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत में निवेदन करता हूँ कि अधिकारी सुन रहे हैं, उनका तुरंत निस्तारण करें। 12 साल में भी ये निर्णय नहीं कर सके तो ये जवाबदारी तय हो, ये किसकी लाइबिलिटी बनती है? क्यों व्यापारियों को झांसे में रख रहे हैं? ना तो वो उद्योग लगा सके, शहर से बंद हो गए, आज वो बेरोजगार होकर उनके परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया, और ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में लग गई, हम अपने आप में रियायत नहीं दे सकते। तो किसको पावर है? माननीय मंत्री जी से निवेदन है, उनका जो भी हो, 800 करें या 1,000 करें, उनका निस्तारण तो हो ताकि बालोतरा में एक अच्छा मैसेज आए। उनके अलावा माननीय सभापति महोदय, आज 10 साल बाद भी फोर्थ फेस में सीपीटी निस्तारण प्लांट नहीं बना, और अगर प्लांट नहीं बनेंगे तो बाकी उद्योग भी नहीं लगेंगे। लाखों करोड़ों की कीमतों में भूखंड ले लिए, न तो प्लांट बना और न बाकी वालों को प्लॉट मिले। तो आज फोर्थ फेस में बनी हुई फैक्ट्रियां भी काम सालू नहीं हुआ, और सालू नहीं होने से उनको कोई फायदा नहीं हुआ। मान्य आज लोग इस मौके पर लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का आभार इस बात का करता हूँ कि आज पर्यटन को भी उद्योग का दर्जा दिया है, इनसे बहुत बड़ी। और माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है
कि आज पर्यटन सर्किट में ब्रह्मधाम आसोत्रा को भी बजट दिया, इनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। राठौड़ों की कुलदेवी माँ नागाणा धाम जो हमारे विधानसभा में, उनमें भी 3 करोड़ रुपये दिए, इनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस बार बजट में खेड़ तीर्थ स्थल रनसोड़ राय वहाँ भी दिए, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और भी हमारे मालानी पर्यटन की बहुत अपार संभावना है, चाहे कन्नाना गेर मेला हो, चाहे विश्व प्रसिद्ध मल्लीनाथ तिलवाड़ा पशु मेला हो, चाहे पूरे देश के कोने कोने से आते हैं, चाहे जैन तीर्थ नाकोड़ा हो, चाहे नागाणा धाम हो, चाहे रनसोड़ राय खेड़ तीर्थ हो, माता रानी भटियाणी हो, ब्रह्मधाम आसोत्रा हो, वहाँ के नृत्य, वहाँ की कलाएं, वहाँ की संस्कृति, इसमें बहुत बड़ी संभावना है। और आगे जो बजट दिया उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ये मलिना तिलवाड़ा पशु मेला को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि कोरोना के कारण 2-3 साल बंद था, माननीय सभापति महोदय आज प्रदूषण नियंत्रण निस्तारण करने के बाद जो पानी है पाली में तो छूट दी जाती है कि रिवर फ्रंट में छोड़ा जाए, और बालोतरा में उस एनओसी में नदी में नहीं छोड़ सकते। तो कई लोगों का सुझाव भी है कि जोधपुर पाली और बालोतरा ये निस्तारण करने के बाद में अगर इनको पाइपलाइन के माध्यम से कस के रण में अगर छोड़ा जाए तो ये प्रॉब्लम ही मिट जाएगी और कई गुणा उद्योग यहाँ बढ़ सकते हैं। और ये सबकी भावना की कदर करें और ये उद्योग के एक तरफ प्रयास कर रहे हैं। ये लूम्स की मैंने सुझाव दिया है, इनका भी दिया है, फोर्थ फेज के अलावा मैं एक मिनट में मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ कि इस फोर्थ फेज मामले में थोड़ा गंभीरता से लेते हुए तुरंत निस्तारण करें। माननीय सभापति महोदय, रिफाइनरी CSR फंड में आज दिन तक 1 रुपया न तो पर्यावरण के नाम पे कहीं लगाया, नहीं सफाई हो या सीवरेज हो, जो सड़क सैंक्शन हो रखी थी उनको भी बंद कर दिया है, उनको भी साल भर से पूरी नहीं कर रहे। किसका दबाव है? उनका जल्दी सड़क का निर्माण हो और आसपास के जितने भी गांव लगते हैं उनमें कम से कम सीवरेज, क्योंकि पशुपतरा बालोतरा में हजारों लोग इंजीनियर किराए के मकानों में रह रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। तो ये जरूरी है कि ये साफ सफाई के मामले में तुरंत बजट दे। माननीय सभापति महोदय, अंतिम बात कहते हुए मैं स्थान ग्रहण करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि आगे गर्मी आ रही है, शरीर खराब हो जाएगा, पैर खराब हो जाएंगे। मैंने उनसे एक ही कहा, न मैंने जिद की है, न मैं नाराज हूँ। आज मुझे गर्व है कि मैं सत्ता का MLA हूँ, मुख्यमंत्री जी का MLA हूँ, और मैं मुख्यमंत्री जी के आगे मांग नहीं करूँगा तो कहाँ जाके करूँगा। मैंने उम्मीद के ऊपर मैंने प्रण लिया है और मुझे उम्मीद है, और शायद शरीर खराब हो, शायद पैर खराब हो, माननीय सभापति महोदय मैंने वसन जो किया है उसके ऊपर मैं कभी पीछे नहीं हट सकता, और मुझे उम्मीद है। और मुझे दूसरी बार एक साधारण व्यक्ति को राजस्थान की विधानसभा में भेजा है, वो कह भाई ये जवान है, मेहनती है, हमारी आवाज़ बुलंद करेगा, और मुझे एकमात्र जिला बनाने के लिए यहाँ भेजा है ताकि बालोतरा की सीट जो है पूरे राजस्थान की नजरें हैं कि वो सीट किस विचारधारा की है। मुझे सिर्फ जिला बनाने के लिए भेजा है, मुझे कोई परवाह नहीं कि शरीर खराब हो या पैर खराब हो। मेरा एक ही मकसद है कि जिला नहीं बने तो MLA बनने का कोई मतलब नहीं, मेरे लिए पद मायना नहीं रखते। मैंने पहले भी कहा कि मंत्री बनने की दौड़ में है, मैं एक ही मांग करता हूँ, मेरा जिला बने, और जब तक नहीं बनेगा संघर्ष और जनता का जो विश्वास है, आज भी जनता को 37 कौम को उम्मीद है, उस उम्मीद पर खरा उतरना मेरा मुख्य उद्देश्य है। मेरे लिए MLA मायना नहीं रखता, मेरा प्रथम दायित्व मुख्य उद्देश्य है कि मेरा बालोतरा जिला बने, बालोतरा का उद्योग बनके और युवाओं को रोजगार मिले। और सभी ने जो सुझाव दिए कि SC हो या ST हो, चाहे OBC हो, इनकी उद्योग में जितनी भागीदारी होनी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि वो कमजोर है। उन कमजोर को भागीदारी देने के लिए कुछ विशेष रियायत देके SC ST और OBC को भी उद्योग में भागीदार बनाए। आपने समय दिया, पुनः आप सबका आभार व्यक्त करते हुए माननीय सभापति महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सबका एक ही सपना, बालोतरा जिला बने अपना। धन्यवाद।